अमल है तो छोटा लेकिन ऐसा अमल है जो आपकी तकदीर को बदल सकता है बहुत ही आसान अमल है जिसे मर्द हजरात भी कर सकते हैं और औरतें भी कर सकती हैं यह अमल क्या है और इसकी ताकत क्या है इस हवाले से आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का एक वाक़ा सुनाता हूँ प्यारे भाइयों और मेरी बहनों आपने इस वीडियो को बगैर स्किप किए देखना है ताकि आप इस अमल को अच्छी तरह से समझ सकें रवायात में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी से पूछा कि कैसे दिन गुज़र रहे हैं तो साहबी ने अर्ज़ किया या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बताऊं? बहुत ही मुफ़लसी और ग़ुरबत के दिन हैं बचपन में ही वालदेन फ़ौत हो गए और ज़िंदगी में तंगियाँ ही देखीं कोई आसूदगी नहीं देखी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी से बातें कर रहे थे कि हज़रत हज़त जबरील्लाम तशरीफ़ तो लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला दी कि जिस सहाबी के साथ आप बात कर रहे हैं उसकी ज़िंदगी कल जोहर तक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए फरमाया अय मेरे सहाबी तेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है बताओ ताकि मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूँ सहाबी की आंखों में आंसू आ गए और बोला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने ज़िंदगी में कभी मीठा नहीं खाया और मेरी ख़्वाहिश है कि मैं ज़िंदगी में मीठा खाऊं और दूसरी ख़्वाहिश है कि मुझे ज़िंदगी में नेक बीवी मिल जाए ताकि उसके साथ आसूदगी से ज़िंदगी गुजारूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर उमर और हज़रत अली हज़रतली रज़ील्हम को बुलाया और उस शख्स से पूछा क्या तुम्हारी नज़र में कोई रिश्ता है तो उस नौजवान ने कहा मेरे चचा की बेटी है जो खूबसूरत भी है और नेक भी लेकिन मेरी ग़ुरबत की वजह से वो मुझे नहीं पूछते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके चचा को बुलाया और फरमाया कि तुम अपनी बेटी का रिश्ता इस सहाबी को दे दो जो तुम्हारा भतीजा है और फरमाया कि मैंने इसका निकाह तुम्हारी बेटी के साथ कर दिया है अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से कहकर उस सहाबी को शादी का इंतज़ाम करवाया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहों से फरमाया कि इसके लिए मीठा पकवाएं ताकि सहाबी की मीठे की ख्वाहिश भी पूरी हो सके यूँ सहाबी की शादी हो गई उस सहाबी ने अपना मकान पेश किया वो सहाबी अपनी दुल्हन के साथ उस घर में चले गए उनको ज़रूरी सामान भी दे दिया गया और मीठा भी उनके लिए पेश किया गया अल्लाह के नबी सल्ला वसलम ने एक सहाबी से कहा जहर से असर तक इस घर के इर्द गिर्द रहें और जैसे ही रोने की आवाज़ सुनाई दे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दें वो साहबी वहाँ मौजूद रहे लेकिन कोई रोने की आवाज़ ना आई बल्कि खुशी और हंसने की आवाज़ें ही सुनाई दीं। असर के वक्त उस सहाबी ने नबी करीम अलैहि वसल्लम को सारा माजरा बताया तो आप अलैहि वसल्लम सजदे में गिर गए और अल्लाह रबुल्ज़त से अर्ज़ किया या अल्लाह सलाम ने तो मुझे इतला दी थी कि साहबी की ज़िंदगी जहर तक है लेकिन ये क्या माजरा है तो ग़ैब से आवाज़ आई ए मेरे हबीब तकदीर में यही था कि इसकी ज़िंदगी जहर के वक्त तक थी लेकिन जब आपने इसकी शादी की और इसकी ख़्वाहिश पूरी करने के लिए इसके लिए मीठा भी भेजा तो रात को इस साहबी खाना खाने के लिए अपनी बीवी के साथ बैठा अभी खाना खाया ही नहीं था कि दरवाज़े पर फकीर ने आवाज़ लगाई कि मैं भूखा हूं अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो तो सहाबी ने बीवी से इजाज़त लेकर वो सारा खाना उस फकीर को दे दिया और वो मीठा जिसकी वो ख्वाहिश रखता था वो भी उसने फकीर को दे दिया जब फकीर को उसने खाना दिया तो फकीर ने दुआ दी अल्लाह तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे और तुम्हें ज़िंदगी में खुशियां अता करे तो मेरी इज्जत की कसम मुझे उस नौजवान साहबी की अदा पसंद आई और मैं फ़कीर की दुआ को टाल ना सका यूं उसकी ज़िंदगी को मैंने बढ़ा दिया तकदीर का लिखा यही था कि उसने जोहर के वक्त मर जाना था लेकिन सदक़े ने उसकी जान बचा ली प्यारे भाइयों और मेरी बहनों याद रहे कि सदक़े में और दुआ में अल्लाह ने बड़ी ताकत रखी है ये दुआ ही है जो तकदीर को भी बदल देती है और सदक़े में भी ये ताकत है कि वो आफात और आने वाली बलाओं को दूर कर देता है तो मेरे भाइयों आज का जो अमल है वो सदका है आपने अपने मसाइल के हल के लिए सदक़ा करना है अपनी परेशानियों को सदक़े से दूर करना है और सदका भी ऐसा हो जो कि ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करे वरना आजकल कर जो रवाजी सदक हम देते हैं रुपया दो रुपया पकड़ा दिए पाँच दस रुपये देकर टाल दिया ऐसा सदका ना हो बल्कि हम ज़रूरतमंदों को तलाश करें और उनकी ज़रूरियात को पूरा करें सिर्फ और सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा की खातिर और कोई मकसद बीच में ना हो जब इस तरह का सदका करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपकी परेशानियां कैसे दूर होती हैं और आपकी तकदीर कैसे बदलती है हमें चाहिए कि अपने इर्द गिर्द रिश्तेदारों में देखें कौन है जो नादार है जो मुफलिस है उसकी मदद करें और अपने दरवाजे पर आने वाले फ़कीर को हम खाली ना लौटाएं बल्कि उसकी ज़रूरत को पूरा करें फिर देखें कि आपकी परेशानियाँ और बीमारियाँ कैसे खत्म होती हैं और आपकी आफात और बलियात से कैसे हिफाजत होती है प्यारी बहनों और मेरे भाइयों जब भी आपको किसी परेशानी का सामना हो तो सदका कर दिया करें अल्लाह के फजल से परेशानी दूर हो जाएगी यहाँ आपको सदक़े के चंद फजाइल बताता हूँ जरूर मुलाजा कीजिएगा याद रहे कि सदका अल्लाह ताला के गुस्से को दूर करता है और बुरी मौत से बचाता है जैसे कि अबू सईद खदरी रजी अल्लाह कहते हैं रसूल वसलम ने फरमाया पोशीदा सदका अल्लाह तला के गज़ब को ठंडा कर देता है सिला रहमी उम्र में इजाफा करती है नकमल आदमी को बुराई के गढ़े में गिरने से बचाता है रवा बेह एक और रिवायत में आता है कि क्यामत के दिन मोमिन अपने सदक़े के साय में होगा और इसी हवाले से मर्ज़त बिन अब्दुल्ला रज़ील्हू नबी करीम वसल्लम के बाद साहबा से रिवायत करते हैं कि उन्होंने अलैहि वसल्लम से सुना आप फरमाते थे कि कयामत के रोज़ सदक़ा ईमानदार के लिए साया होगा रवा अहमद और याद रहे कि मामूली चीज़ का सदक़ा भी आग से बचा सकता है जैसा कि पहले भी जिक्र किया गया कि एक खजूर भी अगर इखलास के साथ अल्लाह की राह में दे दी जाए तो उसका अजर भी पहाड़ जितना होगा और आदि बिन हातिम रज़ी अल्लाह अल्ला कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना जहन्नुम की आग से बचो खा खजूर का एक टुकड़ा ही देकर बचो बुखारी दोस्तों मालूम हुआ कि अल्लाह की राह में दी हुई एक खजूर भी इंसान को जहन्नुम की आग से बचा सकती है एक रिवायत में आता है कि सदका गुनाहों को बुझा देता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया सदका गुनाह को बुझा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है तिरमिसी दोस्तों सदक़ा देने का फ़ायदा ऐसा है जो दूसरों से बढ़कर है खुद ही सोच लीजिए कि पानी किस तेज़ी से आग को बुझाने का काम करता है और सदक़े की मिसाल भी इसी तरह से है कि गुनाहों की आग को ऐसे ही बुझाता है यानी मिटाता है जैसे पानी आग को दोस्तों एक बात याद रहे कि मुतद आयात और रिवायात से यह बात मालूम होती है कि सदका देने से माल कम नहीं होता और इसी बारे में हज़रत अबू हुरर रज़ी अल्लाह ताल कहते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसलम ने फरमाया सदका देने से माल कम नहीं होता मुआफ़ करने से अल्लाह इज़्ज़त बढ़ाता है और आज इख्तियार करने पर अल्लाह मरतबाता फरमाता है